हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। सो देखिए, जैसे हमने लास्ट वीक में जनवरी मंथ की फर्स्ट वीक पूरी कंप्लीट की थी, वैसे ही आज हम सेकंड वीक ऑफ जनवरी कंप्लीट करेंगे। इसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड डेट्स और भी जितनी भी न्यूज़ होगी वो सारी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। तो स्पोर्ट्स न्यूज़ में देखिए, तो पहली न्यूज़ ये है, केंटो मोमोटो विंस मलेशिया मास्टर्स 2020 टाइटल। तो देखिए हुआ क्या है कि जो बैडमिंटन प्लेयर है केंटो मोमोटो, उन्होंने रिसेंटली मलेशिया मास्टर 2020 टाइटल जीता है। तो इसमें हमसे पूछा क्या जा सकता है कि जो केंटो मोमोटो है ये इनमें से कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, तो इनमें से कौन सी गेम खेलते हैं केंटो मोमोटो। तो केंटो मोमोटो आपने याद रखना है, ये एक जैपनीज प्लेयर है, ये बैडमिंटन गेम खेलते हैं। और एक्स्ट्रा हमें इसमें से क्या पॉइंट याद रखने हैं कि जो केंटो मोमोटो है जापान से बिलोंग करते हैं। इसमें जापान की कैपिटल हम पढ़ सकते हैं, जापान की करेंसी के बारे में पढ़ सकते हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूज होगी वो सारी हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले जापान कैपिटल टोक्यो, जापान की करेंसी जो है वो है येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो है शिंजो अबे, और जापान के जो एम्परर है वो है नारुहितो। तो ऐसे हमने हर एक न्यूज में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो पहली न्यूज थी केंटो मोमोटो विंस मलेशिया मास्टर 2020 टाइटल। नेक्स्ट सेकंड न्यूज देखिए, वर्ल्ड कप विनर डैनियल डी रूजी फ्रॉम इटली रिटायर्स फ्रॉम फुटबॉल। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि फुटबॉल के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर डैनियल डी रूजी, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ये इटली से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने इटली को वर्ल्ड कप भी जिताया हुआ है। तो इटली से बिलोंग करते हुए डैनियल डी रूजी एक फुटबॉलर, उन्होंने रिसेंटली अभी रिटायरमेंट ले ली है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या याद रख सकते हैं कि डैनियल डी रूजी इटली से बिलोंग करते हैं, इटली की कैपिटल क्या है रोम, इटली की करेंसी क्या है यूरो, इटली के प्रेसिडेंट कौन है सर्जियो मेट्रेला, इटली के प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्टी। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इटली के पढ़ लिए। और साथ में हम ये भी याद रख सकते हैं कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 में हुआ था वो हुआ था रशिया में, वेयर एज जो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप है 2022 में जो होना है वो होना है कतर में, और 2026 वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको, इन तीनों देशों ने मिलकर कंडक्ट करवाना है 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। नेक्स्ट न्यूज देखिए, लद्दाख विंस 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप वुमेन ट्रॉफी। रिसेंटली नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, तो ये आइस हॉकी चैंपियनशिप इस बार जीता कौन है, लद्दाख जीता है। तो आपने ये याद रखना है, आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि चार टीम्स के बीच में हुआ था, चंडीगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड लद्दाख, तो इन चारों में विनर रहा है लद्दाख। तो लद्दाख ने 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो याद रखने के लिए भी इजी है, आइस हॉकी चैंपियनशिप है, तो आइस इन चारों में से मेनली स्नोफॉल आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो, या फिर अपर रीजन जहां पर लो टेम्परेचर होगा वो लद्दाख ही है। तो आप ऐसे थोड़ा रिलेट करके भी याद रख सकते हैं कि आइस हॉकी चैंपियनशिप इस बार लद्दाख टीम जीती है, और ये वुमेन्स ट्रॉफी थी तो उसमें लद्दाख टीम जीती है। इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि जो लद्दाख है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हम याद रख सकते हैं कि उनके लद्दाख के जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है राधा कृष्ण माथुर, और वहाँ के जो एमपी हैं वो है जेमयांग शेरिंग नामग्याल। तो ऐसे हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इनके साथ साथ याद रख सकते हैं। और जो लद्दाख है वो 31st अक्टूबर 2019 को इंडिया का नया यूनियन टेरिटरी बन गया। तो ऐसे ही इंडिया में आज टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर इरफान पठान, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी है। तो हमें ये याद रखना है कि इस वीक किस किस प्लेयर ने रिटायरमेंट लिया है। तो पहले हमने पढ़ा डैनियल डी रूजी जो कि इटली से बिलोंग करते हैं, फुटबॉलर है, और दूसरे इरफान पठान जो कि क्रिकेटर है, तो इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की है। नेक्स्ट देखिए, सौरभ चौधरी विंस गोल्ड एट 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो अभी रिसेंटली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें सौरभ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसमें हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौरभ चौधरी इनमें से कौन सा इवेंट खेलते हैं या कौन सी गेम खेलते हैं। तो आपने याद रखना है, सौरभ चौधरी जो है ये शूटिंग करते हैं। तो शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इस बार कौन रहे, सौरभ चौधरी। तो सौरभ चौधरी के साथ और भी कुछ फेमस प्लेयर आपको याद होने चाहिए जो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, वो है सौरभ चौधरी के साथ सरबजोत सिंह और अभिषेक वर्मा, ये भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है इंडिया के। तो तीन शूटिंग के प्लेयर, सौरभ चौधरी, सरबजोत सिंह एंड अभिषेक वर्मा, इन तीनों को आपने याद रखना है, तीनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
के श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा टू गेट सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपने ये याद रखना है कि जो बीसीसीआई के द्वारा दिया जाता है सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल किसको मिला है, दो प्लेयर हैं, एक है के श्रीकांत और दूसरे अंजुम चोपड़ा। आपने इन दोनों को बहुत ही बार देखा होगा कमेंट्री में भी, इन दोनों को आपने याद रखना है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे इन दोनों की पिक्चर, इन दोनों की इमेज आप देखिए स्क्रीन पे, एक है के श्रीकांत और दूसरे अंजुम चोपड़ा। इन दोनों को इस साल बीसीसीआई की तरफ से सी के नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या पढ़ सकते हैं, सबसे पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट इस समय कौन है, सौरभ गांगुली। दूसरे, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच कौन है इस समय, रवि शास्त्री। अगर वुमेन क्रिकेट टीम की बात की जाए, वुमेन क्रिकेट टीम के इस समय कोच है वुरकैरी रमन। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ डिस्कस करते जाने हैं और आपने इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी याद रखना है एग्जाम में, इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, पी मघेश चंद्रन विंस 95th हैस्टिंग इंटरनेशनल चेस टाइटल। तो इंडियन प्लेयर, जैसे हमने लास्ट वीक पढ़ा था कोनेरू हम्पी, उन्होंने रशिया में मॉस्को में जो चेस चैंपियनशिप हुई थी वो जीती थी। तो इस वीक हमने याद रखना है हैस्टिंग इंटरनेशनल चेस टाइटल कौन जीता है, पी मघेश चंद्रन। तो यहाँ पर हमें दो प्लेयर याद हो गए जो चेस से बिलोंग करते हैं, एक लास्ट वीक हमने पढ़ा था कोनेरू हम्पी और इस वीक हम पढ़ रहे हैं पी मघेश चंद्रन। तो इन दोनों को आपने याद रखना है, ये दोनों प्लेयर चेस से बिलोंग करते हैं, कोनेरू हम्पी एंड पी मघेश चंद्रन। सो नेक्स्ट न्यूज देखिए, लियो कार्टर बिकम्स 7th क्रिकेटर टू हिट 6 sixes इन एन ओवर। तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले 7th प्लेयर बन चुके हैं लियो कार्टर। लियो कार्टर न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, तो न्यूजीलैंड के प्लेयर लियो कार्टर ने एक ओवर में 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड बना दिया। तो ये रिकॉर्ड इनसे पहले 6 और प्लेयर्स ने बना दिया हुआ है, ये 7th प्लेयर है। तो आपने याद रखना है 7th प्लेयर लियो कार्टर, जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। इससे पहले जो 6 प्लेयर हैं उनका भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले थे गैरी सोबर जो कि वेस्ट इंडियन प्लेयर है, सेकंड रवि शास्त्री जो इंडियन है जो कि इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी हैं, थर्ड हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका, फोर्थ युवराज सिंह इंडिया, फिफ्थ रॉस विटले इंग्लैंड एंड 6th हजरतुल्ला जजाई अफगानिस्तान। तो ऐसे ये 6 प्लेयर हैं जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगा के रिकॉर्ड बनाया हुआ है, और जो 7th प्लेयर बने हैं वो कौन है, लियो कार्टर। इसमें आपने एक ये भी बात याद रखनी है, ये जो 7 प्लेयर्स हैं इनमें से एक ही प्लेयर ऐसा है जिसने इंटरनेशनल फॉर्मेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं, वो है युवराज सिंह, बाकी सभी ने डोमेस्टिक मैचेस में ऐसा कारनामा किया। तो ये थी इस वीक की स्पोर्ट्स न्यूज। तो अब हम देखते हैं इस वीक में बुक एंड ऑथर। तो बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा ये, एक ही बुक है इस वीक की इंपॉर्टेंट। तो जैसे हमने लास्ट वीक में 2 बुक्स पढ़ी थी, एक बुक हमने पढ़ी थी पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म बाय एस गुरुमूर्ति और दूसरी बुक हमने पढ़ी थी ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स जो कि बोरिया मजुमदार एंड नलिन मेहता ने लिखी थी। सो इस वीक में जो बुक छपी है वो बुक का नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। तो कर्म योद्धा ग्रंथ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज की है, मतलब हमारे जो होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने रिलीज की है ये बुक। ये बुक डिनोटेड है टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बुक रिलीज की गई, इसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। तो 3 बुक्स हो गई जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म बाय एस गुरुमूर्ति, सेकंड है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड ओलंपिक गेम्स बाय बोरिया मजुमदार एंड नलिन मेहता, एंड थर्ड है कर्म योद्धा ग्रंथ। ठीक है, तो ये ऐसे आपने सारी बुक्स भी साथ साथ कवर करते जाने। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेज एंड डेट्स। तो डेज एंड डेट्स में देखिए, पहला सेकंड वीक में सबसे इंपॉर्टेंट डे आता है 9th of January। सो 9th of January आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। सो 9th of January को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9th जनवरी 1915 को इंडिया में वापस आए थे। तो 9th जनवरी जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए, उस डेट को हम हर साल NRA डे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। तो आपने ये डेट याद रखनी है, हर साल 9 जनवरी को NRA डे के तौर पे मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। तो 9th of January वी सेलिब्रेटेड इट एज NRA डे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रख लिया। तो NRA डे जो मेन इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो इसमें हम याद क्या रख सकते हैं कि हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है। तो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ऐसे आपने ये भी पॉइंट याद रखना है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, सो सेकेंड डेट देखिए 10th of January। सो 10th of January वर्ल्ड हिंदी डे।
तो 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे. नेक्स्ट 12th ऑफ जनवरी. सो 12th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे. सो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में. तो आपने याद रखना है स्वामी विवेकानंद, उनकी याद में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को. तो ये पॉइंट आपने याद कर लिया. इसमें हम एक्स्ट्रा ये भी पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उनकी याद में रामकृष्ण मिशन भी चलाया जाता है. तो ऐसे हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ कवर करते जाएंगे. सो स्वामी विवेकानंद, उनकी याद में नेशनल यूथ डे 12th ऑफ जनवरी. नेक्स्ट 14th ऑफ जनवरी. सो 14th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटेरियन डे, 14th ऑफ जनवरी. सो हर साल आर्म्ड फोर्सेस वेटेरियन डे मनाया जाएगा. आर्म्ड फोर्सेस में वेटेरियन, वेटेरियन मीन्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे. यहाँ पर फील्ड कौन सी है, आर्म्ड फोर्सेज की. तो जो आर्म्ड फोर्सेज में बहुत एक्सपीरियंस्ड है उनकी याद में हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटेरियन डे मनाया जाता है. तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ये चार डेट्स आपने याद रखनी है. फर्स्ट 9th ऑफ जनवरी, वी सेलिब्रेटेड इट एज एनआरआई डे. सेकेंड 10th ऑफ जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे. 12th ऑफ जनवरी नेशनल यूथ डे. एंड 14th ऑफ जनवरी आर्म्ड फोर्सेस वेटेरियन डे. तो ऐसे हमने चार डेट्स भी याद की हैं सेकेंड वीक ऑफ जनवरी की. और लास्ट वीक हमने फर्स्ट वीक की भी पढ़ी थी, वो थी 4th ऑफ जनवरी, उसका वो डेट थी वर्ल्ड ब्रेल डे. तो ऐसे हमने इस पहले दो वीक की इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स भी कवर कर ली हैं. नेक्स्ट इस वीक की कुछ अवार्ड्स, तो इस वीक के कुछ अवार्ड्स भी हम डिस्कस करते हैं. तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के अवार्ड में देखिए पहला अवार्ड किसको मिला. फर्स्ट जसबिंदर बिलन विंस 2019 कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड. तो देखिए जसबिंदर बिलन को 2019 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड दिया गया. तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड मतलब बच्चों में दिया जाएगा, इनमें जो मतलब ये इस कैटेगरी में कोई बुक छापेंगे तो उनकी बुक नॉमिनेट होगी, फिर जो सिलेक्ट की जाएगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा. तो कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 गोज टू इंडियन जसबिंदर बिलन. तो ये आपने नाम याद रखना है. इनकी एक बुक थी जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट बर्ड. तो आशा एंड द स्पिरिट बर्ड इस बुक को, इस नॉवल को उन्होंने चुना है और ये बेस्ट नॉवल माना गया. और ये उनका डेब्यू नॉवल था जसबिंदर बिलन का. तो उनको यूके बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 दिया गया. तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 गोज टू जसबिंदर बिलन फॉर हर बुक आशा एंड द स्पिरिट बर्ड. ठीक है, तो ये थी हमारे इस वीक की पहली अवार्डी. सेकेंड देखिए किसको अवार्ड मिला है, जसप्रीत बुमराह गेट्स बीसीसीआई पॉली उमरीगर अवार्ड. सो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई की तरफ से पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया. तो ये अवार्ड जो दिया जाता है बहुत ही बेहतरीन प्लेयर को दिया जाएगा. तो इस साल बहुत ही अच्छी बॉलिंग और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की जसप्रीत बुमराह ने, तो जसप्रीत बुमराह को इस साल पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया. तो ये आपने याद रखना है कि 2019 पॉली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया, तो वो दिया गया जसप्रीत बुमराह को. सेकेंडली जसबिंदर बिलन, ये भी आपने याद रखना है. कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड ये इस बार किसको मिला है, तो ये अवार्ड मिला था कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड जसबिंदर बिलन को. थर्ड हमने जो पीछे अभी पढ़ा ही है, के श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा इन दोनों को अवार्ड दिया गया सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो ये तीन अवार्ड इस वीक के हैं. तो सेकंड वीक ऑफ जनवरी आपने तीन अवार्ड याद रखने हैं, एक जसबिंदर बिलन को दिया है कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड, दूसरा जसप्रीत बुमराह को दिया गया है पॉली उमरीगर अवार्ड, एंड थर्ड के श्रीकांत एंड अंजुम चोपड़ा को अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ये दिया किसके द्वारा गया, बीसीसीआई के द्वारा. बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली. बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई. तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ कवर करते जाना है. सो नेक्स्ट देखिए अब हम करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज. सो इंटरनेशनल न्यूज में देखिए सबसे पहली इंटरनेशनल न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज है, वो यूएसए से बिलोंग कर रही है. तो देखिए पहली न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली लॉन्चेस यूएस स्पेस फोर्स. तो आपने ये याद रखना है, यूएसए वालों ने स्पेस फोर्स भी बना ली है. तो स्पेस फोर्स बनाने वाले यूएसए, इन्होंने अपनी 6th आर्म्ड फोर्सेस में यूएसए वालों ने अपनी स्पेस फोर्स भी बना ली है. सो बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है. सो यूएसए के, तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि यूएसए जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, यूएसए की करेंसी डॉलर है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है. तो इन्होंने अपनी रिसेंटली यूएस स्पेस फोर्स बनाई है, इनकी ये 6th ब्रांच है आर्म्ड फोर्सेज में. तो ये पॉइंट्स आपने सिंपल से याद रखने हैं कि अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अपनी स्पेस फोर्स बना ली है. तो ये कंट्री कौन सी है, यूएसए. नेक्स्ट सेकंड न्यूज देखिए, यूएई कैबिनेट वैलिडेट्स मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा वैलिड फॉर 5 years. तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनके कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली मल्टी एंट्री वीजा अलाउ कर दिए हैं.
तो इन्होंने अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मल्टी एंट्री वीज़ास अलाउ किए हैं। तो आपने याद रखना है, यूएई बहुत ही बड़ा टूरिज्म हब है, यहाँ पर बहुत दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन प्लेस है ये। तो यूएई के बारे में थोड़ा हम पॉइंट पढ़ते हैं। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ऐसे आपने ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी रिसेंटली मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा अलाउ की है 5 सालों के लिए। हमें पता है ये यहाँ पर टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा जाता है, तो इन्होंने और उसको प्रमोट करने के लिए मल्टी एंट्री वीज़ा अलाउ किए हैं। और साथ साथ हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो ये पॉइंट हमने साथ साथ एक्स्ट्रा भी कवर कर लिए। नेक्स्ट थर्ड न्यूज़ देखिए, यूक्रेन एयरक्राफ्ट बोर्डिंग 176 पीपल क्रैशेज इन ईरान। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, यूक्रेन से एक फ्लाइट जा रही थी तो उसमें 176 पीपल थे, तो वो क्रैश कर गई कहाँ पर? ईरान, ईरान के शहर तहरेन में, जिसमें 176 पीपल्स की डेथ हो गई। और ये एयरक्राफ्ट कौन सा था? बोइंग 737। तो बोइंग 737 में 176 पीपल थे, तो वो ईरान में तहरेन में क्रैश कर गया। तो ये आपने पॉइंट याद रखना, ये कहाँ से चला था? यूक्रेन से। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और ये गिरा कहाँ पर? ईरान में। ईरान की कैपिटल क्या है? तहरेन। ईरान की करेंसी क्या है? रियाल। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रोहिनी। तो ऐसे आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ कवर करते जाना है। नेक्स्ट अगली न्यूज देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जोरैन मिलानोविक विंस क्रोएशिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो अभी रिसेंटली क्रोएशिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस बार कौन जीता है? इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर जोरैन मिलानोविक। तो ये आपने नाम याद रखना है, जोरैन मिलानोविक, जो कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं इस बार। ये किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? क्रोएशिया। या फिर क्रोएशिया के जो नए प्रेसिडेंट बने उनका नाम बताइए। तो क्रोएशिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जोरैन मिलानोविक। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। तो क्रोएशिया के बारे में हम जानते हैं, क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? ज़ैग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी क्या है? कुन्ना। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? एंड्रेज प्लेनकोविक। तो क्रोएशिया के बारे में भी हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो थे वो कवर कर लिए। नेक्स्ट न्यूज देखिए, US Armed Forces and Pentagon designated as terrorist entities by Iran। तो हमें पता है कि रिसेंटली जब ईरान के कमांडर को मार दिया गया USA की फोर्सेज के द्वारा, तो अभी रिसेंटली ईरान ने क्या किया, USA की आर्म्ड फोर्सेज और उनके जो पेंटागन है उसको डेजिग्नेट कर दिया एज अ टेररिस्ट एंटिटीज। तो अब यही चल रहा है कि कभी ईरान उनको कुछ बोल रहा है और कभी यूएसए वाले उनको ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि रिसेंटली टेररिस्ट एंटिटीज ईरान ने यूएसए की आर्म्ड फोर्सेज और पेंटागन को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट न्यूज देखिए, साई एंग वेन विंस ताइवान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्रोएशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ताइवान वॉन बाय साई एंग वेन। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो इन्होंने इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ताइवान के जीत लिए। तो ताइवान के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले ताइवान की कैपिटल देखिए, ताइपी। ताइवान की करेंसी देखिए, ताइवानियन डॉलर। और ताइवान में जो इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं उनका नाम है साई एंग वेन। तो आपने दो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हमने पढ़े हैं, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट बने हैं जोरैन मिलानोकोविक, और जो ताइवान की प्रेसिडेंट बनी है वो है साई एंग वेन। तो ऐसे हमने ये भी न्यूज़ हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन बांग्लादेश। तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश में 18वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ है। जैसे इंडिया में भी फिल्म फेस्टिवल होते हैं, तो सिमिलरली ढाका में भी, बांग्लादेश में भी इस साल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट कराया गया। ये कहां पर कराया गया? ढाका कराया गया। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। तो ऐसे आपने एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ साथ कवर करते जाना है, लिखते जाइए इन सभी पॉइंट्स को। तो 18वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ? बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में ये 18वां फिल्म फेस्टिवल हुआ। नेक्स्ट देखिए न्यूज, सैयद हैथम बिन तारिक अल सायद टुक ओवर एज सुल्तान ऑफ ओमान। तो अभी देखिए, थोड़ी देर में हम ऑबिचुरीज टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो ऑबिचुरीज में देखिए, ओमान के सुल्तान की डेथ हो गई, तो ओमान के सुल्तान की जब डेथ होगी उनकी जगह पर कोई नया सुल्तान बनेगा। तो ये नए सुल्तान बने कौन है? सैयद हैथम बिन तारिक अल सायद। तो ये आपने नाम देख लो, बिन तारिक अल सायद, ऐसे रफली इतना सा याद रख लीजिए। आपने ऑप्शन टिक करने लायक एग्जाम में नाम सारे याद रखने हैं। तो देखिए, इसमें
ओमान के सुल्तान की जो डेथ हुई थी उसकी जगह पर अब नए सुल्तान बने हैं, उनका नाम है सैयद हैथम बिन तारिक अल सायद, तो वो नए सुल्तान बन गए हैं ओमान के। बस इतना ही आप बात बस पॉइंट याद रखिए। इसमें एक्स्ट्रा हम क्या पढ़ सकते हैं ओमान के बारे में, ओमान की कैपिटल क्या है मस्कट, ओमान की करेंसी क्या है रियाल, और ओमान के सुल्तान कौन बन गए अभी सैयद हैथम बिन तारिक अल सायद। ठीक है, बार बार रिविजन करोगे ऑटोमेटिकली ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश होस्ट मुस्लिम्स कॉन्ग्रीगेशन विश्व इजतेमा, तो मुस्लिम्स लोगों का जो हज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट रहता है तो वो कौन सा होता है विश्व इजतेमा, तो वो किस कहाँ पर हुआ इस बार बांग्लादेश, तो बांग्लादेश ने ये होस्ट किया है मुस्लिम कॉन्ग्रीगेशन विश्व इजतेमा, तो ये कहाँ पर हुआ है टोंगी रीजन है ढाका के पास, तो वहाँ पर ये कंडक्ट करवाया गया। तो ये किस देश ने कंडक्ट कराया बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी क्या है टका, और उनकी प्राइम मिनिस्टर कौन है शेख हसीना। तो देखिए दूसरी बार रिपीट हो गया बांग्लादेश, तो बार बार ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे से याद हो जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर सीएम प्रेसिडेंट करेंसी कैपिटल गवर्नर्स सारी चीज़ें देखिए ये कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है रेगुलर रहना है हमारे साथ तो आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पे हो जाएंगी। ये एक तरह से एक्सरसाइज है, रेगुलर करने से ही आपके अब ऑटोमेटिकली माइंड में ये चीज़ें छप जाएंगी, आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा सब्जेक्ट करंट अफेयर तैयार करना, तो बस बात यह है कि आपको कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना है। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, US रिमूव्स चाइना फ्रॉम करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट, तो USA ने अभी रिसेंटली चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया। तो हुआ क्या कि जब USA ने पहले चाइना वालों पे ब्लेम किया था कि ये अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मार्केट में अपनी डोमिनेंस कर रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट में डाल दिया था, तो ये इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है। तो आपने याद रखना है कि रिसेंटली अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर लिस्ट से हटा दिया। ठीक है, तो ये हटाया किसने अमेरिका ने। अब अमेरिका के बारे में आ जाइए, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन करेंसी डॉलर। अब दूसरी तरफ हटाया किसको चाइना, तो अब चाइना के बारे में सुन लीजिए, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना की करेंसी रेनमिनबी, चाइना के प्रीमियर कौन है ली की क्वेंग। तो ऐसे आपने सारे कंट्रीज के बारे में हम पढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिकली देखना आपके टिप्स पे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपको खुद भी ये चीज़ पता नहीं लगेगा कि कब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें दिमाग में फंस चुकी हैं, और बार बार ऑटोमेटिकली जब आप इन चीज़ों को देखते रहोगे, आपने न्यूज़ में जब सुना कि शी जिनपिंग की बात हो रही है ऑटोमेटिकली माइंड में चाइना आएगा, जब आप सुनोगे धर्मेंद्र प्रधान आ गए तो ऑटोमेटिकली इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर ऑयल मिनिस्टर के बारे में आपके माइंड में आ जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, बस ये है कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस पे। तो अगर अच्छा टाइम दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें लीड मिलेगी, ये सब्जेक्ट आपकी पकड़ में होगा और बैंकिंग जैसे एग्जाम आप इजीली क्रैक कर पाओगे जब आपका करंट अफेयर अच्छे से कवर होगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नेशनल न्यूज़। तो अब हम करते हैं नेशनल न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इंडियन रेलवे रीनेम्स RPF एज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो देखिए अभी रिसेंटली इंडियन रेलवे ने क्या किया, इंडियन रेलवे की जो पुलिस फोर्स है उसको बोलते हैं RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो इसका नाम बदल दिया उन्होंने और चेंज करके रखा क्या है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो रेलवे मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है पीयूष गोयल के, तो आपको मिनिस्टर भी याद हो गया रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय पीयूष गोयल। नेक्स्ट न्यूज देखिए, केरला बिकेम फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट CAA। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ पिछले कुछ दिनों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी है केरला। तो अभी रिसेंटली न्यूज ये भी आई है कि पंजाब दूसरी स्टेट बन चुकी है, तो केरला फर्स्ट स्टेट है और सेकेंड स्टेट है पंजाब, इन दोनों ने CAA के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास कर दिया। इसमें अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पढ़ सकते हैं केरला, केरला की कैपिटल क्या है थिरुवनंतपुरम, केरला के CM कौन है पिनरी विजयन, केरला के गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान, और दूसरी स्टेट कौन सी थी पंजाब। तो पंजाब के बारे में भी पढ़ देते हैं, पंजाब कैपिटल चंडीगढ़, पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब गवर्नर VP सिंह बदनौर। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी साथ साथ कवर करते जाना है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019। तो अभी रिसेंटली फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप हुई है 2019 हुई, तो ये अपने पॉइंट याद रखना है ये कहाँ पर हुई है न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, बस इतना कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। इसमें आप ये भी याद रख सकते हो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स उन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो होम अफेयर मिनिस्टर तो अमित शाह जी हैं, लेकिन यहाँ पर बात की गई है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी बात की गई, उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको, तो उनका नाम क्या है नित्यानंद राय।
तो नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह के साथ वो होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, नित्यानंद राय, उन्होंने इनॉग्रेट किया फोर्थ ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेटअप न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी चला रहे हैं, मतलब उनके मिनिस्टर वो हैं, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसको बोलते हैं नेस्ट, NEST। तो आपने नेस्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। तो अच्छी टेक्नोलॉजी लानी है, तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो इट वॉज सेटअप बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फुल फॉर्म क्या है NEST की, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च की है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंडिया गिव्स $75 million LOC टू कुबा फॉर सोलर पार्क्स। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली इंडिया ने कुबा कंट्री आपको पता होगी, तो कुबा कंट्री को 75 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है। तो किस लिए ऑफर किया है, सोलर पार्क्स बनाने के लिए ऑफर किया है इंडिया ने। तो इंडिया का एक्सिम बैंक और कुबा का बैंको एक्सटीरियर दी कुबा, वहाँ का जो बैंक है, उन इंडिया और उन दोनों ने मिलकर एक डील किया है लाइन ऑफ क्रेडिट का, कि अगर कुबा को जरूरत पड़ेगी तो हमने उनके लिए $75 million तैयार रखे हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे वो ले सकते हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट मीन्स तैयार करके रखना पैसा, तो अगर उनको जब जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे ले सकते हैं। ये कंट्री कौन सी है, कुबा। अब कुबा के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, कुबा कैपिटल क्या है, हवाना। कुबा की करेंसी क्या है, पैसो। कुबा के प्रेसिडेंट कौन है, माइगुल डियाज कैनेल। तो आपने ये नाम याद रखना है, माइगुल डियाज कैनेल। तो माइगुल डियाज कैनेल वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ की करेंसी है पैसो और कुबा की कैपिटल है हवाना। तो इनके लिए इंडिया ने $75 million लाइन ऑफ क्रेडिट रखा है सच डेट फॉर सोलर पार्क्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इनॉग्रेट NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब इन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में उन्होंने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाले हैं, इन्होंने रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब बनाया है। तो नॉलेज हब, वहाँ पर आप ज्ञान ले सकते हैं, तो डिजिटल ज्ञान आपको मिलेगा। तो ये बनाया कहाँ पर गया, न्यू दिल्ली में बनाया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब। ये किसके द्वारा बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो अब आपको पता है मैं क्या बात करूंगा, इसके मिनिस्टर के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, तो वो भी आपने याद रखना है, जो रेलवे मिनिस्टर है उनके पास ये भी डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवे, ये सारे डिपार्टमेंट किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। तो अभी हमने पढ़ा था पीयूष गोयल, तो वो पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी हैं। तो आपने ये भी पॉइंट साथ में याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज इज भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर टू होस्ट फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आपने यहाँ पर याद रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला जो एडिशन है वो इस साल कहाँ पर कंडक्ट कराया गया, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है, आपको पता है भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। तो ओडिशा के बारे में अब हम जानते हैं, ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर, ओडिशा CM नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी साथ साथ कवर करते जाने हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस साल कहाँ पर कंडक्ट कराई गई, KIIT यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ, ओडिशा में। तो KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर ये फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट न्यूज देखिए, गवर्नमेंट ऑथोराइज 5559 crore rupees फॉर इंद्रधनुष गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। तो इस गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5559 crore rupees अलॉट किए फॉर इंद्रधनुष गैस ग्रिड पैटर्न प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रख सकते हैं कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, सो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये आप पॉइंट एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया 2021 सेंसस एक्सरसाइज टू बिगिन इन ऑन 1st April। तो आपको पता है कि हर 10 साल बाद सेंसस होता है, तो 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था, तो उसके 10-10 साल बाद हर बार सेंसस हुआ। तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और अगला सेंसस 2021 में होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट कब हो जाएगी, 1st April 2020 से। तो इसमें बस आपने ये याद रखना है, और इसमें हम एक्स्ट्रा क्या याद रख सकते हैं कि रजिस्ट्रर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया में कौन है, तो इस समय इंडिया का सेंसस कमिश्नर बनाया गया है विवेक जोशी को। तो आप ये पॉइंट याद रख सकते हो कि रजिस्ट्रर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इस समय इंडिया के हैं विवेक जोशी।
नेक्स्ट न्यूज देखिए, नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 बिगिंस इन लखनऊ। तो अभी रिसेंटली नेशनल यूथ फेस्टिवल कंडक्ट कराया गया लखनऊ में। तो हमने डेज एंड डेट्स में पढ़ा था नेशनल यूथ डे, तो हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। तो उनकी याद में फेस्टिवल भी कंडक्ट कराया गया, कहां पर? लखनऊ में, जिसका थीम क्या था? फिट यूथ फिट इंडिया। तो ये आपने याद रखना है कि इस साल 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंक्लूडेड इन 8 वंडर्स ऑफ SCO। तो आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया ऐसे बहुत देश आते हैं। तो इन सभी देशों ने मिलकर SCO ग्रुप बनाया हुआ है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 8 देश आते हैं। तो इन देशों ने अपना वंडर्स की लिस्ट तैयार की है 8 वंडर्स की, उन 8 वंडर्स में हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी आ गया। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर हाइट का है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? केवाड़िया में। तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं गुजरात के बारे में? गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ठीक है, ऐसे हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसके कवर कर लिए हैं। तो ये थी हमारे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी की कुछ नेशनल न्यूज। तो हमने नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर, डेज एंड डेट्स कवर कर लिए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट ऑबिचुरीज के बारे में। तो इस वीक की ऑबिचुरीज देखिए, सबसे पहले रूलर ऑफ ओमान सुल्तान काबूस बिन सायद पासिस अवे। तो अभी हमने पढ़ा था कि ओमान के नए सुल्तान बनाए गए, तो वो जो बनाए गए किसके बाद बनाए गए, जिनकी ये डेथ हुई है, तो इनका नाम क्या है? ओमान के सुल्तान काबूस बिन सायद। तो काबूस बिन सायद जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। सेकेंड न्यूज देखिए इंपॉर्टेंट ऑबिचुरी में, वेटेरियन ओडिसी डांसर मीनाती मिश्रा पासिस अवे। तो बहुत ही फेमस ओडिसी डांसर, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, तो ओडिसी डांसर मीनाती मिश्रा की भी डेथ हो चुकी है। तो आपने याद रखना है मीनाती मिश्रा इनमें से किस फील्ड को बिलोंग करती है? तो आपने याद रखना है शी वॉज डांसर, और वो कौन सी परफॉर्मेंस देती है? ओडिसी डांसर है वे। नेक्स्ट न्यूज, फॉर्मर कर्नाटका गवर्नर TN चतुर्वेदी पासिस अवे। तो कर्नाटका के जो पुराने गवर्नर थे TN चतुर्वेदी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो कर्नाटका, कर्नाटका कैपिटल बेंगलोर, कर्नाटका के CM YS येडियुरप्पा। तो ऐसे ये भी पॉइंट आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट, नात्य सूर्या अवार्डी ड्रामेटिस्ट रत्ना ओझा पासिस अवे। तो आपने ये भी नाम याद रखना कि रत्ना ओझा भी, इनकी भी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट, नागालैंड असेंबली स्पीकर विखो ओ योशो पासिस अवे। तो नागालैंड की असेंबली के जो स्पीकर थे विखो ओ योशो, इनकी भी डेथ हो चुकी है। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के CM कौन है? नेफ्यू रियो। नेक्स्ट, विश्व तीर्थ स्वामी ऑफ पेजावर मठ पासिस अवे। तो पेजावर मठ के तीर्था स्वामी जी की भी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट, वेटेरियन पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट विकास सबनिस पासिस अवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विकास सबनिस, तो आपने ये नाम याद रखना है विकास सबनिस, इनकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये थी इस वीक की ऑबिचुरीज। तो आपने सेकेंड वीक ऑफ जनवरी अच्छे से कवर कर लिया हमने। तो आपने इन सभी को एक अच्छे से नोट डाउन करते रहना है। तो ये जो स्क्रीन पे आप जितने भी स्लाइड्स देख रहे हो, इसको अच्छे से रीड कीजिए, पॉज कीजिए, पढ़िए। तो जितना हो सकता है मैं भी साथ साथ इनको कवर करता जाता हूँ, ठीक है? तो आपने भी इनके अच्छे से नोट तैयार रखने हैं, सच डैट जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस पे जाए, आपको GK पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, आप सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे ही फोकस कर पाए, इस पे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना पड़े। तो ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, बस आपने क्या इसको कॉन्टिन्यूसली और कॉन्टिन्यूटी में रखना है और अच्छे से साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पनेशिया ट्यूटर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।